पैनकेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बनाना लिया है, दो बनाना से ऐसे मैश कर लेंगे। तो मेरा तैयार है, बस थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रख देती हूँ। तभी बैटर लेंगे और इसके अंदर इसे डाल देंगे इसे फैलाते हुए। हर चीज़ मैंने क्लीन कर ली है, तो पहले मैं सब चीज़ें क्लीन कर लेती हूँ, बेड वगैरह जितने भी चीज़ें हैं सब क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद मैं घर धोती हूँ। गाइज हाउ आर यू, आई एम गुड एंड फाइन, वेलकम बैक टू माई चैनल। अरशान की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बुखार हो गया था उसको, फीवर, तो उसके लिए मैंने खिचड़ी बनाई थी और अरशान आराज और तैमूर के लिए भी मैंने खिचड़ी बनाई थी, लेकिन तैमूर और आराज तो नाटक कर रहे हैं, खा नहीं रहे खिचड़ी, तो मैं उनके लिए पैन केक अब बना रही हूँ। गार्डन की सफाई तो हो गई है, उसमें दवाई भी डल गई है, लेकिन ग्रास अभी कटी नहीं है, घास काटने के लिए अभी फिर से आएंगे और घास की कटिंग होगी, तो जब कटिंग होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए फिर अब पैन केक बना लेते हैं अरशान अरहाज और तैमूर के लिए, बिकॉज अरशान की तबीयत ठीक नहीं है तो उसको तो हल्का खाना ही देना है, लेकिन तैमूर और अरहाज बहुत नाटक करते हैं तो उनके लिए मुझे पैन केक बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए फिर बनाते हैं। यहाँ पर मैं चिड़ियाओं को पानी डालती हूँ, पानी डाल देते हैं चिड़ियाओं को। मैंने पानी डाल दिया है बिकॉज़ वहाँ पर छाया है पेड़ की, तो वहाँ पर रख देती हूँ, ऊपर रखूँगी तो पानी गर्म हो जाता है, दिन में 2-3 टाइम में पानी चेंज कर देती हूँ बिकॉज़ पानी गर्म हो जाता है उसके अंदर। तो बस जितने भी ये देखें आप चिड़ियाँ आई है पानी पी रही है, तो यहाँ पर जितने भी होते हैं चिड़ियाँ कबूतर जितने भी पक्षी होते हैं आते हैं पानी पीते हैं। तो अब मैंने जो ये इसमें बीज डलवाए थे आपने देखा ही होगा ब्लॉग में, तो मौसमी के बीज हैं तो इसमें ही पानी डाल देती हूँ। और यहाँ पर मेरा ये प्लांट है मनी प्लांट, तो इसमें भी डाल देती हूँ। गाइस मम्मा नमाज पढ़ी है और मम्मा नमाज पढ़ने के बाद आपसे मिले, खिचड़ी दाल और चावल की, तो यहाँ पर बघार का सामान मैंने तैयार किया है। तो खिचड़ी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, अरशान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बुखार बहुत तेज़ है उसको, फीवर, तो दवाई लेकर आया है और डॉक्टर ने ये बताया कि खिचड़ी उसके लिए हल्का खाना बनाना है और खिलाना है हल्का ही खाना, तो इसीलिए बस मैं खिचड़ी बना रही हूँ अरशान के लिए। तो बच्चे से अरशान और अरहाज और तैमूर तीनों ही खा लेंगे। पैनकेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बनाना लिया है, दो बनाना से ऐसे मैश कर लेंगे, उनको गुड़ लिया है यहाँ पर, गुड़ मिक्स हो रहा है और ये देखें बनाने को मैंने ऐसे मैश कर लिया। एक कटोरी मैंने चावल का आटा लिया है, चम्मच बेकिंग पाउडर की, नमक, और ये नारियल का पाउडर है, तो मेरे पास तो पाउडर था नहीं तो मैंने नारियल सूखा नारियल जो होता है उसको पीस लिया, और एक चम्मच ये डाल दूंगी इसके अंदर। पानी भी ठंडा हो गया है तब इसको इसमें मिक्स कर दूंगी। तो मेरा तैयार है, बस थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रख देती हूँ। अरशान के लिए चाय बनाई है बिकॉज वो बोल रहा है मम्मा मुझे कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा है, आप पाले जी बिस्किट और चाय दे दीजिए, तो उसके लिए मैं ये चाय बना रही हूँ और यहाँ पर ये पाले जी बिस्किट है। और मैंने टेबल पर ये देखें तैमूर की टेबल कितनी यूज़फुल है, और अरशान को मैंने चाय और ये बिस्किट दिए, चम्मच देसी घी डाल दूँगी। मैंने यहाँ पर गर्म होने के लिए रख दिया है। बैटर लेंगे और इसके अंदर इसे डाल देंगे इसे फैलाते हुए। फ्लेम को लो ही रखना है और इसको धीमी आंच पे ही पकाना है
साइड से तो ये पक गया है, पलट देंगे। ये देखिए खूबसूरत लग रहा है, और दूसरी साइड से मैं पका लूँगी इसको। ये कितना अच्छा कलर आया है, दूसरी साइड से भी ये पक गया है। ये देखें, इसे प्लेट में निकाल दूँगी मैं। चेंज कर लिए हैं और अब मैं घर की सफाई कर रही हूँ, तो आधा काम तो मैंने कर लिया है, बट अब सब बस धोना बाकी है। उससे पहले मैं चिड़ियों को पानी दे देती हूँ और उसका जो पानी है तो फिर मैं वो चेंज कर देती हूँ। एक बार तो मैंने पहले चेंज कर दिया था, बट लेकिन अब जो है वापस से मुझे उसको चेंज करना है, गर्म हो गया होगा पानी, तो फिर से मैं उसको चेंज कर देती हूँ पानी को, और उसके बाद में मैं घर धोऊँगी। हर चीज़ मैंने क्लीन कर ली है, तो पहले मैं सब चीज़ें क्लीन कर लेती हूँ, बेड वगैरह जितने भी चीज़ें हैं सब क्लीन कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं घर धोती हूँ। तो गाइस, मम्मा घर धो रही है, और मम्मा घर धोने के बाद आपसे मिलेगी। मेरा धुल चुका है, ये देखें एकदम चमाचम हो गया है, बाहर तक पूरा मेरे धो लिया है। कारपेट भी धो दिया जो मैं किचन में लगाती हूँ। होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए डू व्हाटएवर वांट टू डू, डोंट ट्रबल माता पिता, भारत माता, बाय।